कौन थी एयर हॉस्टेस गीतिका शर्मा? क्या है बहुचर्चित एयर हॉस्टेस सुसाइड केस? कौन है गोपाल कांडा? कैसे गीतिका सुसाइड में कांडा का नाम आया? हरियाणा में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, 90 के दशक में समय था जब गुरुग्राम से लेकर पंचकुला तक उनकी तूती बोलती थी। भले ही वो हरियाणा की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जलवे ऐसे मानो कि राज्य में उनकी समानांतर सरकार चल रही हो। जूते की दुकान से संघर्ष शुरू करने वाले कांडा ने बहुत कम समय में ही MDLR एयरलाइंस और रियल स्टेट कंपनी तक खड़ी कर ली। जब गुरुग्राम में बसना अमीरों के लिए सपना भर था, कांडा ने गुरुग्राम के सिविल लाइंस में एक कोठी बनवा ली। लेकिन साल 2005 उनके लिए ऐसा मनहूस बनकर आया कि न केवल गोपाल कांडा की पूरी बादशाहत ढहती चली गई, सारा साम्राज्य बिकता चला गया, बल्कि खुद उन्हें भी अपनी कथित प्रेमिका गीता शर्मा सुसाइड केस में जेल जाना पड़ा। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में उन्हें बरी कर दिया है। ऐसे में लाजमी है कि आज उस गीतिका शर्मा की कहानी एक बार फिर पढ़ी जाए। वो साल 2007 का था जब गोपाल कांडा अपनी कंपनियों में ताबड़तोड़ भर्तियां कर रहे थे। खासतौर पर MDLR एयरलाइंस कंपनी में नियमों को ताक पर रखकर छोटी लड़कियों को नौकरी पर रखा जाने लगा। उन्हीं दिनों 17 साल की गीतिका शर्मा ने भी अपनी सहेली के साथ एयर हॉस्टेस बनने का सपना लिए हुए कंपनी के गुरुग्राम कार्यालय पहुंच गई। उस समय खुद गोपाल कांडा ऑफिस में मौजूद थे। उन्होंने देखा तो गीतिका को बुलाया और कुछ बातचीत की। उन्होंने मौके पर ही गीतिका को क्रू मेंबर का ऑफर लेटर थमा दिया, भरोसा दिया कि जैसे ही वो 18 साल की हो जाएंगी उन्हें एयर हॉस्टेस बना दिया जाएगा। यही वो पल था जब गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा एक दूसरे के नजदीक आए और फिर आते ही चले गए। गीतिका का फायदा ये हुआ कि वो कब क्रू मेंबर से एयर हॉस्टेस और फिर कंपनी के डायरेक्टर तक बन गई, उन्हें खुद नहीं पता चला। गीतिका की उड़ान इतनी ऊंची थी कि वो एयरलाइंस में कम कांडा के साथ ज्यादा नजर आती थी। वही कांडा भी अपने राजनीतिक से लेकर व्यक्तिगत जीवन में भी उसे अपने साथ रखने लग गए। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक गीतिका शर्मा ने कांडा का साथ छोड़ दिया और दुबई चली गई। लेकिन कांडा भी उसकी जुदाई को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे कि गीतिका को वापस लौटना पड़ा। मजबूरी में ही सही कुछ दिन गीतिका कांडा के साथ रही, लेकिन 4 अगस्त 2012 की रात उसने फांसी लगा ली। अगले दिन जब उसका शव मिला तो हड़कंप मच गया। वही शव के पास में ही एक सुसाइड नोट पड़ा था जिस पर गीतिका ने लिखा था, आज मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा विश्वास भी टूट चुका है। मेरे साथ दोनों ने बहुत गलत किया। मेरी मौत के लिए सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं, वो है गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा। धोखा किया गया है मेरे साथ, मेरे विश्वास को तोड़ा गया है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक की गई। इन दोनों को इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। वही आपको बता दें कि गीतिका के सुसाइड के 20 दिन बाद ही गीतिका की मां ने भी सुसाइड किया था और उन्होंने भी कांडा को जिम्मेदार ठहराया था। वही इस घटना के वक्त कांडा हरियाणा सरकार में गृह मंत्री थे, बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि वो साल 2014 में जेल से बाहर भी आ गए, लेकिन अपने ढहते साम्राज्य को बचा नहीं पाए। यहाँ तक कि पार्टी ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने लोक हित पार्टी बनाई और 2014 में चुनाव भी लड़े, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वही आज एयर हॉस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने इस मामले में उन्हें बरी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।